वसुंधरा राजे जी की सक्रियता बढ़ी है और बढ़नी चाहिए। वसुंधरा राजे जी हमारी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस लीडर ने 20 साल तक स्टेट को सिंगल हैंडेडली लीड किया, पूरी पार्टी को लीड किया, जो विधानसभा में मौजूद हों वो एक राय होकर के हमला करते हैं, और जिस तरह की गुत्थम गुत्था वहाँ दिखाई देती है, डायरी को छीनने के लिए जिस तरह के हथकंडे वहाँ दिखाई देते हैं और फिर छीन करके फाड़ने की कोशिशें होती है, ये इस बात पर मुहर लगाती हैं कि लाल डायरी में कुछ तो राज थे। लाल डायरी को फाड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन उस डायरी के अतिरिक्त वो तो केवल एक मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री के साथी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस के आदमी हैं, उनकी डायरी थी। इसके अलावा माइनिंग में हुए भ्रष्टाचार जिसकी चर्चा सर्वदूर है, उसकी डायरी पता नहीं किस रंग की है। और भ्रष्टाचार पर मुहर तब लगती है जब एक तरफ विधायक सदन में खड़े होकर के, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक खड़े होकर के ये कहते हैं, मंत्री पर लांछन लगाते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त विधायक खुद खड़े होकर के कहते हैं, मंत्री को घेरते हुए दिखाई देते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो। शासन राजस्थान में वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं के साथ अपमान की, गैंगरेप की, दुर्व्यवहार की घटनाएं जिस तरह से उनकी बाढ़ सी आई हुई है, दलितों दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, सरकार ने जिस तरह से वादा खिलाफी की है, इन सब विषयों पर लोगों के विचार संकलित किए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के विचार संकलित करके 1,00,000 किलोमीटर तक रथों की यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी ने जनाक्रोश को संकलित किया। जिलों के स्तर पर इस तरह की जनाक्रोश के महाघेराव आयोजित किए गए, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर के सरकार के फेलियर के बारे में चर्चा की, और उसके चलते हुए सर जो है जिस तरह की अराजक परिस्थितियां राजस्थान में खड़ी हुई है उसकी चर्चा की। सर से एक प्रभावी आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। गूंज रहा है सियासी गलियारों में है कि अब बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाएगी लाल डायरी का, और क्या आप लोग विधानसभा चुनाव में लाल डायरी लेकर जाने वाले हैं जनता के बीच में? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक राजस्थान की भ्रष्टतम सरकार है, और सभी क्षेत्रों में राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार सिरे चढ़ा है, सिर चढ़ करके बोल रहा है, आज राजस्थान के आम व्यक्ति से यदि आप पूछेंगे तो भी वो इस बात की ताईद करेगा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के अस्थिर होने के चलते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के विधायक उच्छृंखल हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता उच्छृंखल हुए, बेलगाम हुए, और उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया, उसके चलते हुए राजस्थान में आम जन ये मानता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। और भ्रष्टाचार पर मुहर तब लगती है जब एक तरफ विधायक सदन में खड़े होकर के, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक खड़े होकर के ये कहते हैं, मंत्री पर लांछन लगाते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो, मुख्यमंत्री के सलाहकार और मंत्री पद का दर्जा प्राप्त विधायक खुद खड़े होकर के कहते हैं, मंत्री को घेरते हुए दिखाई देते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हो, कैबिनेट में बैठने वाला मंत्री मंच पर खड़े होकर के हजारों लोगों की उपस्थिति में कहता है कि हमारी सरकार आज तक की राजस्थान के इतिहास की भ्रष्टतम सरकार है। सरकार में कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के इसी तरह की टिप्पणियां करते हैं, और उसके बाद कैबिनेट का सहयोगी साथी रहा मंत्री कैबिनेट से हटाए जाने के दूसरे दिन लाल डायरी लेकर के विधानसभा में आता है और विधानसभा अध्यक्ष को निवेदन करता है कि मुझे इस डायरी को टेबल करना है, इसमें सरकार का कच्चा चिट्ठा है, 500 करोड़ का हिसाब है, सरकार हिलने वाली है। तब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री, पार्टी के विधायक और पार्टी के अन्य जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो विधानसभा में मौजूद हों वो एक राय होकर के हमला करते हैं, और जिस तरह की गुत्थम गुत्था वहां दिखाई देती है, डायरी को छीनने के लिए जिस तरह के हथकंडे वहां दिखाई देते हैं,
और फिर छीन करके फाड़ने की कोशिशें होती हैं, ये इस बात पर मुहर लगाते हैं कि लाल डायरी में कुछ तो राज थे। जिन राज को बेपर्दा होना सरकार जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और इसी के चलते लाल डायरी को फाड़ने की कोशिशें हुई। लेकिन उस डायरी के अतिरिक्त भी वो तो केवल एक मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, मुख्यमंत्री के साथी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंस के आदमी हैं, उनकी डायरी थी। इसके अलावा माइनिंग में हुए भ्रष्टाचार जिसकी चर्चा सर्वदूर है, उसकी डायरी पता नहीं किस रंग की है। आबकारी में हुए घोटाले की डायरी पता नहीं किस रंग की होगी। भूमाफियाओं ने जिस तरह के घोटाले किए हैं उसकी डायरियां किस रंग की होंगी। एकल पट्टे में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ उसकी डायरी किसी और रंग की होगी।